सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बहन ने गाड़ी ली है, इसे तुम चाहती हो कि हम भी नई गाड़ी खरीदें। अरे पहले से दो तो है हमारे पास। अरे जैसे तो नहीं है ना। हाँ तो क्या हो गया? क्या हो गया, तुमने देखा नहीं कितनी शान से वो अपनी गाड़ी दिखा रही थी? पूरे 30 लाख की ली है, वो भी कैश। पूरी रिश्तेदारी में ना इससे महंगी गाड़ी किसी की नहीं है। हाँ तो मुझे नहीं बनना बड़ा, ठीक है उसे बनने दो। पर मुझे बनना है बड़ा, और जब हम ले सकते हैं उससे ज्यादा महंगी गाड़ी तो क्यों ना ले। अरे देख ना, ये अपनी सोसाइटी वाले मनीष जी है ना। हाँ जब पूछता हूँ ये कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी मनीष जी, कहाँ जा रहे हो? अरे बस घर जा रहा था। आओ ना छोड़ देता हूँ आपको। हेलो भाभी। हेलो। ये लो जी आ गया आपका घर। वैसे कहाँ से आ रहे थे आप अभी? मैं ऑफिस गया हुआ था, बस वहीं से वापस आ रहा था। अच्छा तो पैदल? अरे नहीं नहीं इतनी दूर से पैदल थोड़ी ना आऊँगा, पहले मेट्रो से आ रहा था फिर मेट्रो स्टेशन से घर पैदल जा रहा था। तो गाड़ियाँ कहाँ गई, खराब हो गई क्या? नहीं तो? तो फिर गाड़ी से क्यों नहीं आए? मैंने सारी गाड़ियाँ भेज दी, अब मैं मेट्रो से ही ट्रैवल करता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अकेला आदमी हूँ, मेट्रो से ही सब मैनेज हो जाता है। अरे पर आप इतने बड़े आदमी हो, सोसाइटी में सबसे अमीर हो, और आपके स्टेटस का क्या? आपको देख के तो सोसाइटी वाले गाड़ियाँ खरीद रहे हैं ताकि आपकी बराबरी कर सके। अरे भाभी हम सबकी यही तो प्रॉब्लम है कि हम गाड़ी को ना स्टेटस सिंबल समझ लेते हैं। मैं भी समझता था लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि गाड़ी ना बस एक मशीन है जो हमें यहाँ से वहाँ आने जाने के ही काम आती है, और उसके अलावा इसका कोई भी यूज़ नहीं है। और भाई साहब सच बताऊँ, मुझे तो लगता है कि जो असली स्टेटस है ना वो गाड़ी घर या महंगी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि असली स्टेटस है कि आप इंसान कैसे हो। अब आप देखो ना, आप दोनों मुझे या तो एक अच्छा इंसान समझते हो या एक अच्छा पड़ोसी समझते होंगे, तभी आप दोनों स्पेशली मेरे लिए रुके और मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। तो बस यही मेरे लिए स्टेटस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और पता नहीं आजकल लोग लगे पड़े हैं, भागे जा रहे हैं महंगी महंगी चीज़ों के पीछे कि ताकि उनका सोसाइटी में ओहदा बढ़ जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि असली ओहदा ना हमारे करेक्टर से आता है और किसी भी चीज़ से नहीं। बात तो सही कही आपने। चलिए ठीक है जी, थैंक यू फॉर द लिफ्ट। अच्छा भाभी सुनो, हम नहीं खरीदेंगे ऋषिका जैसी कार, बनने दो उसको बड़ा। क्यों? मनीष जी की बातें समझ में आ गई क्या? समझने वाली बातें तो बोल रहे थे वो। ठीक है।